अरे आप उनको पक्का यकीन है वो आएगी, क्योंकि एक महान आदमी ने बोला है कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहे तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में। ओम शांति ओम। अरे नमस्कार ससुर जी, थोड़ा तो सुकून में जीने दो यार हमें, चलो जाओ यहाँ से। अरे असलम, मानना पड़ेगा ससुर जी को। अरे कौन सी चक्की का आटा खिला तुम लोगों को, दिमाग एकदम गर्म रहता है इनका और आप उनको सूट कर लगता है। इधर पीछे ले इसका भाई, तू बोलते इसको भी चिपका दे। शादी हुई है तो नाम जुड़ेगा ना यार, और ना करेगी तू जैसे लफंगे के साथ। तू कहां से को लफंगा बोला? लफंगे को लफंगा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? अरे एकदम गैट क्या है, किस मिट्टी का बना हुआ है तू? बोलता नहीं मिट्टी। अरे इसी मिट्टी का बना पापा, और पता है तेरा आशीर्वाद अपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्राम मान बहुत शाम। मेरी बहन इस रिसेप्शन में बिल्कुल नहीं आई समझे, और ना हम में से कोई आएगा। आएगी जरूर आएगी, हम तो बीच के हिसाब से तुमको दूसरों ने लाया। हाँ हाँ ये तो नहीं। अच्छा आप उधर जाते हो ना, गिफ्ट लाने का जरूरत नहीं, आप लोग आओगे आप उनको आशीर्वाद दोगे इसका। अरे असला माटे एक बार मैं यही कहूँगा कि रघु का दिमाग हमेशा एक स्टेप आगे रहता है, सबसे प्लानिंग में वो माहिर है, तो उसने ऐसा किया ताकि वो रिसेप्शन पे आने से मना ना कर सके, आए और उसके साथ बैठे। ये उसका एक अपना माइंड जो चलता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो हर सिचुएशन को हार से जीत पे ले आता है। तो बहुत ऐसा है कि रघु के हिसाब से ऐसा उसने कुछ किया नहीं है, उसने तो जाके मनाने की कोशिश की है, बट वो ऑब्वियसली डिसेंट लोग हैं, उनको इस सब की आदत नहीं है, ऐसे टपोरी और ये सब लैंग्वेज का और ये सब, तो उनको लगा कि भाई ये ऑलरेडी ज़बरदस्ती शादी कर चुका है और अब ऐसे बोल रहा है जैसे मना नहीं रहा है बल्कि धमकी दे रहा है, तो उसको धर दिया एक थपेड़ पड़ गई उसको। बट रघु जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, गाली थपेड़ लड़ाई झगड़ा उसका हर रोज का ही है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।